बिहार बंद के दौरान पूरे पटना को जाम कर दिया गया। पटना का जो गांधी चौक है, कारगिल चौक, पूरे कारगिल चौक को जाम कर दिया गया वहां पर, और हम खुद मौजूद रहे वहां पे। और तेजस्वी यादव जी जल्द से जल्द मनीष कश्यप भाई को रिहा करने का काम करें। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ना कि वहां पे आखिर कौन सा तीर मार लिया, कौन सा बिहार बंद कर दिया, कहां पे क्या कर दिया। भाई एक व्यक्ति एक ही जगह पहुंच सकता है, 20 जगह तो पहुंच नहीं सकता है। और हम पटना के कारगिल चौक पर उपस्थित थे, वहां पर काफी सारे ऐसे मीडिया वाले भाई पहुंचे थे जो बाइट लिए हमारा, काफी दिन से फोन भी कर रहे थे काफी लोग कि दुबे जी आपका बाइट चाहिए। तो अभी जैसे हम पटना पहुंचे ना, तो वहां पर कई ऐसे पत्रकार बंधु है, कई ऐसी महिला पत्रकार है जिनको हम बाइट दिए, आप उसमें खुद देख भी सकते हैं। क्या नाम है आपका? दुबे जी, ऑफिशियल दुबे जी हैं। दुबे जी हैं, तो दुबे जी मनीष कश्यप के लिए आए हैं आज? जी मनीष कश्यप के लिए ही आए हैं यहाँ गांधी चौक पे, और आपसे कहना चाहते हैं कि गलत तरीके से मनीष कश्यप भाई को फंसाया जा रहा है, और तेजस्वी यादव जी जल्द से जल्द मनीष कश्यप भाई को रिहा करने का काम करें। मनीष कश्यप ने तेजस्वी यादव को जो चैलेंज दिया, कहीं ये उसका असर तो नहीं कि उन पर ज्यादा कार्रवाई हो रही है, आपको क्या ऐसा लगता है? मनीष कश्यप ने गलत क्या बोला? मनीष कश्यप ने यही कहा कि 180 दिन में तेजस्वी यादव की सरकार गिरा देंगे, तो भाई वो सक्षम है गिराने में, तभी बोला है मनीष कश्यप। भाई अगर सक्षम नहीं होता तो नहीं बोलता मनीष कश्यप। इतना मनीष कश्यप को अपने ऊपर भरोसा है कि 180 दिन के भीतर भीतर तेजस्वी यादव की सरकार गिरा देगा मनीष कश्यप। आप लोग आम छात्र हैं या फिर भूमिहार समाज से आते हैं? नहीं नहीं, हम भूमिहार समाज से नहीं आते, ब्राह्मण ही है हम, ठीक ना। लेकिन ये समाज की बात नहीं है, ये बिहार की बात है। और मनीष कश्यप एक ऐसा राष्ट्रवादी पत्रकार है जो पूरे बिहार के नहीं पूरे देश की आवाज है और पूरे युवाओं की आवाज है। तो जैसा कि आप वीडियो देखे, पत्रकार महिला है जो किस तरीके से बाइट ले रही है, और काफी सारे सवाल किए गए, बहुत सारे पत्रकार थे, अलग अलग मीडिया वाले थे, अलग अलग सवाल पूछे, जिसमें से आपसे बताना चाहते हैं कि पूरे तरीके से जबरदस्त तरीके से जवाब दिया गया तेजस्वी यादव को। और मनीष कश्यप भाई के समर्थन में जब वहां पर रैली निकाली गई, जब वहां पर पटना को पूरे तरीके से जाम किया गया, तब पुलिस प्रशासन ने भी कहा कि मनीष कश्यप को जल्द से जल्द रिहा करने का प्रयास करेंगे, लेकिन उसके लिए कुछ प्रोसेस होती है, जो भी वो प्रोसेस पूरा होता है, जैसे ही पूरा होने के बाद निर्दोष साबित होते हैं तो मनीष कश्यप को तुरंत ही बाहर निकाल दिया जाएगा। ये हुआ बिहार बंद का असर, ये हुआ पटना बंद का असर। भाई हम 200 किलोमीटर से पटना पहुंचे थे, और सिर्फ इसलिए पहुंचे थे ताकि वहां पर आने के बाद मनीष कश्यप के समर्थन में रैली निकाल सके, और मनीष कश्यप के समर्थन में रैली निकालने के बाद पूरे पटना को जाम कर सके, इसलिए पहुंचा गया था। वहां पे बहुत सारे राष्ट्रवादी भाई पहुंचे थे, आशुतोष भाई भी पहुंचे थे वहां पर, ब्राह्मण भूमिहार युवा मंच से, एकता मंच से। तो भाई कहीं ना कहीं काफी लोगों में उत्साह है, काफी लोगों में जोश है कि मनीष कश्यप को किस तरीके से बाहर निकाला जाए, मनीष कश्यप को किस तरीके से इंसाफ दिलाई जाए, क्योंकि जिस तरीके से तानाशाही रवैया अपना रही है बिहार पुलिस, वो कहीं ना कहीं निंदनीय है। और अभी बहुत सारी ऐसी वीडियो है जो हमारे पास है, जो हमारी उपस्थिति वहां पे दर्ज कराती है, इस वीडियो को भी लगातार हम यूट्यूब पर एक एक करके डालेंगे, सब वीडियो को यूट्यूब पर डालकर और आपके सामने पूरा साक्ष्य प्रस्तुत किया जाएगा कि किस तरीके से पटना बंद करने का काम किया गया, बिहार बंद करने का काम किया गया।